बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मालूमाती वीडियो का उन्वान है इंसान के तीन हिस्से। ये मालूमाती वीडियो इंसान के तीन हिस्सों के मुतल्लिक है, और शायद आप सोच रहे होंगे कि इंसान को ये तीन हिस्से कहाँ से मिलने हैं। तो आपकी ये सोच गलत है। आज की मालूमात आपकी सोच से मुख्तलिफ है। तो आइए देखते हैं कि वो मालूमात क्या हैं और इंसान के वो तीन हिस्से क्या हैं। व्यूअर्स, इंसान के तीन हिस्सों में से एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला का है। जबकि दूसरा हिस्सा रूह कहलाता है। तीसरा हिस्सा इंसान का अपना है। जो अमल करता है वो उसका अपना हिस्सा कहलाता है। और तीसरा हिस्सा कीड़ों का है, जो जिस्म कहलाता है। यानी आपको बात समझ आ गई होगी कि इंसान के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा रूह है, जिसे अल्लाह ताला का हिस्सा करार दिया गया है, और रूह हमारे जिस्म में इसी तरह है जिस तरह हम कपड़े पहनते हैं। ये हमारा गोश्त पोश्त का जिस्म जो है, ये रूह के कपड़े हैं। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो जिस्म की अहमियत खत्म हो जाती है। इसी तरह दूसरा हिस्सा हमारा अपना है, जिसमें हमें अच्छे या बुरे की पहचान और उस पर अमल का मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। यानी हमें बता दिया गया है कि ये शर का रास्ता है, ये खैर का रास्ता है। अब हमें इसके साथ इख्तियार दिया गया है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। और इसी तरह जिस्म इंसान का तीसरा हिस्सा है, जिसे कीड़ों का हिस्सा कहा गया है। जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है और जिस्म बेजान हो जाता है, तो इस खूबसूरत जिस्म को, जिस पे हमें गरूर होता है, कीड़े बतौर खुराक खाते हैं और तमाम का तमाम गोश्त कीड़े खा जाते हैं। इसी वजह से इसे कीड़ों का हिस्सा कहा जाता है। यानी हम इंसान कितने मगरूर हैं। हम अपने इस खूबसूरत जिस्म पे कितना नाज करते हैं, गरूर करते हैं, घुमंड करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। ये जिस्म कीड़ों ने खाना है, आगे हमारे अच्छे अमाल काम आने हैं। और हमें चाहिए कि इस दुनिया से अगले सफर के लिए ज़ादे राह अच्छे और नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे कर लें, क्योंकि ये जो दूसरी दुनिया का सफ़र है,
जिसे आलम बरज़ख यानी कब्र की जिंदगी कहा गया है, उसके लिए हमें नेक अमाल करने चाहिए जो हमें कब्र में काम आएंगे।